भारत वेस्ट इंडीज के चौथे वनडे मैच मुंबई में खेला गया और टीम इंडिया की ओर से कल हिटमैन रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 162 रन की पारी खेली और उसके बाद बेहतरीन फील्डिंग का नज़ारा भी पेश किया। बता दें कि फील्डिंग करते हुए 3 कैच भी पकड़े। अब किसी वनडे मैच में 150 रन से ज़्यादा का स्कोर और उसी मैच में 3 कैच पकड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। बता दें कि रोहित ने 137 गेंद पर 162 रन बनाए और ये रन 20 चौके और 4 छक्के लगाकर बटोरे। खलील अहमद की गेंद पर सैमुअल्स का पहला कैच रोहित ने पकड़ा और उसके बाद कुलदीप की गेंदबाजी के समय फवियन एलेन और एस्ले नर्स का कैच भी पकड़ा। इस तरह सोमवार का दिन उनके रिकॉर्ड तोड़ दिन रहा। भारत की तरफ से वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्का लगाने के मामले में रोहित शर्मा ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। वनडे क्रिकेट में सचिन के नाम पर कुल 195 छक्के थे, लेकिन रोहित ने अब तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस मैच से पहले रोहित के नाम पर वनडे क्रिकेट में कुल 194 छक्के दर्ज थे और इस मैच में उन्होंने 2 छक्के लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। 198 छक्के लगाने वाले रोहित शर्मा का जब बल्ला बरसना शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज के बॉलरों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि बॉल डाले तो कहाँ डाले। एक तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि कल का दिन रोहित शर्मा का दिन था। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।